कांग्रेस ने भारत जोड़ो आंदोलन के तहत पदयात्रा शुरू कर दी है। कन्याकुमारी के अगस्तीस्वरम से शुरू हुई इस पदयात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी सांसद पी चिदम्बरम समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। दूसरे दिन की यात्रा शुरू करने से पहले यहां कैंप में सुबह 7 बजे तिरंगा झंडा फहराया गया और झंडे को सलामी दी गई। कांग्रेस की इस पदयात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इससे पहले 7 सितंबर को भारत जोड़ो आंदोलन का औपचारिक आगाज हुआ था। राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखकर इस यात्रा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह गौरवशाली विरासत वाली हमारी महान पार्टी के लिए ऐतिहासिक अवसर है। मुझे उम्मीद है कि यह हमारे संगठन के लिए संजीवनी का काम करेगा, साथ ही भारतीय राजनीति के लिए यह पल परिवर्तनकारी साबित होगा। उन्होंने कहा कि वैचारिक और आत्मिक रूप से मैं हमेशा इस यात्रा में शामिल रहूंगी। वहीं राहुल गांधी ने भी कन्याकुमारी में यात्रा का शुभारंभ करते हुए कहा कि नफरत और बंटवारे की राजनीति में मैंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन मैं अपने देश को नहीं खोऊंगा। प्यार नफरत को जीतने में कामयाब होगा और उम्मीद डर को हराने में कामयाब होगी। हम सब मिलकर मात देंगे।